अनएक्सपेक्टेड था ये मुझे बिल्कुल, बट ये साड़ी टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल। नमकीन। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आजकल मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ तो मेरा मूड बहुत बढ़िया रहता है, एंड इन फैक्ट माई नॉजिया इज़ बेटर बिकॉज आई एम वॉकिंग अराउंड 5 kilometers इन द मॉर्निंग, और उसके बाद थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेसिक सी, एंड इट फील्स सो हैप्पी एंड सो गुड। और इतना इन्जॉयमेंट के साथ मैं तैयारी इसीलिए हो पाई क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो ओके, सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फेयरवेल सारीज फ्रॉम मिंत्रा, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑल ऑफ दी सारीज आर रेडी टू वेयर। तो तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम साड़ी कैसे पहनोगी और उसे कैसे हैंडल करोगी पूरे दिन, यू कैन जस्ट ईजली वेयर इट। सो आई एम गोना बी शोइंग यू ऑल ऑफ दी साड़ीज टुडे। मेरे पास 5 से 6 ऑप्शंस हैं आपको दिखाने के लिए इन डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट डिजाइंस, तो आप आराम से ये सारी साड़ीज अपने फेवरेट पे कैरी कर सकते हो। और मैं आज ये भी बताऊंगी कि आप इनको स्टाइल कैसे करोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सी साड़ी हम पहनने वाले हैं। तो सबसे पहले पहनेंगे हम ये सबसे कलरफुल साड़ी, मैंने खोल के अभी तक कोई से भी नहीं देखी और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उन्हें कैसे स्टाइल करूँगी, बट कोई बात नहीं, साथ में मिलकर स्टाइल करते हैं। चलो तो एव दिस ब्यूटिफुल कलरफुल साड़ी। अब मुझे कुछ, मेरे पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे मिंत्रा पे डार्क कलर्स के, ब्राइट कलर्स के, बट आई वॉन्टेड समथिंग इन वेरी कलरफुल मैनर क्योंकि बहुत लोगों का स्टाइल होता है बहुत प्लेफुल, बहुत बबली, बहुत कलरफुल। तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है और मुझे बहुत सुंदर लग रही है ये साड़ी। दिस इज़ वेरी बेसिक सिंपल, यार इट हैज़ दैट ब्यूटिफुल बबली, ऐसे बबल गम और एकदम कैंडी वाले कलर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आएगा ये यहाँ पर बॉर्डर इस तरीके का थ्रू आउट द साड़ी, एंड ब्लाउज अटैच आया है इसमें ये वाला। तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी कि ये वाला ब्लाउज के साथ पहने, कुछ अलग सा पहनेंगे यार। तो साड़ी को मैंने उल्टा पकड़ लिया, यहाँ से है ये साड़ी, और मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी इसको उल्टा पकड़ के कि रेडी टू वेयर है भी कि नहीं, बट या इट्स रेडी टू वेयर साड़ी। इसमें इस तरीके से प्लीट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर है जी आपका हुक। तो एज यू नो द ड्रिल कि इसको पहनना कैसे है, इसमें सिंपली यहाँ पर ये ऐसे नाड़े आते हैं दो, उनको एक साथ टाई करके और फिर हम इसको स्टाइल करेंगे। पल्लू इसका बना बनाया नहीं है, पल्लू आपको प्लीट करना पड़ेगा, बट अगर आप चाहो तो फ्री पल्लू ले सकते हो बिकॉज फ्री पल्लू इज़ वे मोर कम्फर्टेबल क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने फ्री पल्लू कुछ हैवी में कैरी किया हुआ, यू कैन ईजली कैरी इट। चलो मैं इसको पहन के आती हूँ फिर हम इसे स्टाइल करेंगे। तो मैं पहनूंगी ये वाला टॉप साड़ी के साथ क्योंकि ये जो है बेसिकली टॉप था, बट मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे क्रॉप टॉप ब्लाउज का शेप दे दिया है, एंड ये मैंने आई थिंक ऑनलाइन खरीदा था, मुझे याद नहीं है, बट इसका लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेट्स स्टाइल द साड़ी नाउ। मुझे लगता है कि वाइट के साथ ये साड़ी एकदम सेफ ऑप्शन है, आप आराम से कैरी कर पाओगे। एज यूजुअल बहुत आसान है इसको पहनना, मैं एक आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। मैंने अभी ब्लाउज का डी अटैच नहीं किया है, लेट्स रिमूव द ब्लाउज फर्स्ट। तो इसको सिंपल तरीका है पहनने का, नीचे आप कोई लेगिंग भी पहन सकते हो बिकॉज थोड़ा ठंडा मौसम रहता है फेब में, एंड जनरली फेब्रवरी में ही सबके फेयरवेल्स होते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, अंदर कुछ पहन लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंफर्टेबल भी रहोगे और निश्चिंत भी रहोगे थोड़ा सा, इसलिए सही रहता। तो जी इसको हमने कर लिया है टाई यहाँ पर। इसका नाड़ा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत आगे पीछे है, तो अभी मैंने इसको जुगाड़ करके जैसे तैसे साइड में बांध लिया है। अब हम लगाएंगे इसका हुक जितना आपको वेस्ट साइज़ है, क्योंकि ये फ्री साइज़ में आती है तो आप आराम से बिना टेंशन के ही ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि उसमें साइज़ का कोई मैटर नहीं है। एंड ये हो गई हमारी साड़ी एकदम रेडी। तो ये लुक को मैंने काफ़ी बेसिक रखा है, मैंने सिर्फ सिंपली पीछे हल्का सा हाफ डू करके, एंड ये बहुत ही प्यारे से इस तरीके के इयररिंग्स पहन लिए हैं। आप यहाँ पे कोई छोटे हुप्स भी पहन सकते हो, वो भी लड़कियों पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इवन दे आर मोर कम्फर्टेबल फॉर यू, बट अगर आपको कुछ बड़े इयररिंग्स पहनने यू कैन ट्राई एनीथिंग लाइक दिस। और हाथ में मैंने ये ब्रेसलेट पहन लिया, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द साड़ी। आई जस्ट लव इट क्योंकि एक तो बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है, ड्रेपिंग का झंझट नहीं है, और काफ़ी अच्छा फ्रेश लुक दे रही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक एंड अ वेरी गर्ली कलर। तो मुझे तो ये लुक बढ़िया लगा, आपको कैसे लगा मुझे बताना। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर साड़ी, और उसके अलावा इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है, वी आर ऑल्सो डूइंग अ गिव अवे ऑफ दिस साड़ी। तो कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि किस किस का फेयरवेल है, एंड रैंडमली आई विल पिक एंड सेंड यू दिस ब्यूटिफुल रेडी टू वेयर साड़ी, क्योंकि ये वाली साड़ी मैंने दो दो ऑर्डर की हैं, तो इसमें से एक आपकी हो सकती है। जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस किस का फेयरवेल है इस बारी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर साड़ी। इससे पहले मैं आपको एक और कलरफुल साड़ी दिखाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली साड़ी भी हमारे इसी ब्लाउज पे चल जाएगी। सो दिस बी अ ब्यूटिफुल कलरफुल पर्पल स्टोन वाली साड़ी, तो मैंने ऑर्डर की है ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी दिखने वाली फ्रिल साड़ी, क्योंकि फ्रिल साड़ी का ट्रेंड अभी गया नहीं है, दे आर स्टिल ऑन और वो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, एक अच्छा फ्लेयर, अच्छा लुक ऐड कर देती हैं। तो जी ये आएगी हमारी साड़ी, एंड आई एम लाइक
क्वाइट इम्प्रेस्ड। इसमें अंदर ये लाइनिंग दी है इस तरीके की, और इस तरीके का इसमें लहरिया आएगा थ्रू आउट द साड़ी। मुझे बहुत सुंदर लग रही है ये। नीचे फ्रिल्स आएंगे इस तरीके से, जिसमें गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड अ वेरी यूनिक कलर। और साथ में जो इसमें आपका पल्लू आएगा उस पर भी वन साइड में फ्रिल्स दिया गया है। ये साड़ी मुझे लगता है थोड़ी पहनकर समझ में आएगी। मैं पहले पहनती हूँ, फिर देखती हूँ कौन से ब्लाउज का इसको पेयर करना है। एक लास्ट मिनट चेंज है इसमें, मैंने वो वाला ब्लाउज निकाल दिया, वो नहीं अच्छा लग रहा था इसके साथ। उसमें ना येलो कलर के मिरर्स की एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस तरीके से, तो मैंने इसे जैसे तैसे करके अपने दूसरे ब्लाउज में इंसर्ट कर लिया है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई एम कैरिंग दिस साड़ी, और सरप्राइजिंगली इसके साथ एक बेल्ट भी आई है। तो अगर आप इसका ब्लाउज स्टिच कराएंगे तो ये साड़ी बहुत अच्छा लुक देगी, बट दैट इज़ टोटली अप टू यू। आपको बिल्कुल ही कुछ अलग क्रिएट करना है, गो फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज। एंड यहाँ पर ज्वेलरी जो मैं पेयर कर रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ लाइलैक कलर, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी इसको। तो मैंने इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर किया है, क्योंकि इसमें हमें सिल्वर गोटा पट्टी मिला है। तो आपका चॉइस, आपको किसके साथ पेयर करना है। आई एम ऑल्सो चेंजिंग दिस बैंगल, और इस लुक में बना ली है मैंने पोनीटेल, बिकॉज मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रही थी। लेट्स सी द होल लुक। और जो मैंने दूसरा ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट में क्रिएट किया है वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस ब्लाउज के साथ ये कुछ ऐसा लुक दे रही है, काफ़ी यू नो मोनोटोन वाली फीलिंग आ रही है। बट अगर आप इस ब्लाउज को ना थोड़ा छोटा स्लीव्स में सिलवाओगे, मे बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे जब ये आएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत ही डिज़ाइनर वाली फील आएगी। बट यू कैन ऑल्सो रिमूव इट, मैंने सिर्फ ये अटैच किया हुआ है इस टाइम पर। सो मैंने यहाँ पर पहना है ये कॉन्ट्रास्टिंग येलो ब्लाउज़। अब दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप कौन सा ब्लाउज़ पहनना चाहते हो। बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टाइलिंग के आइडिया दे सकती हूँ, कैसे पहनना है, कैसे कैरी करना है, वो आपके माहौल पे, स्कूल पे, घर वालों पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ये बेल्ट भी रिमूव कर सकते हो, मैंने इसमें लगाई हुई थी। आप इसे डायरेक्टली भी साड़ी को ऐसे ही किसी कॉन्ट्रास्टिंग क्रॉप टॉप या ब्लाउज के साथ पहनोगे तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी, एंड ये फ्रिल्स की वजह से बहुत सुंदर लुक दे रही है। तो फाइनली मैंने स्विच किया ब्लाउज। ये पिंक ब्लाउज मुझे ज़्यादा फ्लैटरिंग लग रहा है साड़ी के साथ। येलो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से ये लुक थोड़ा टोन डाउन लग रहा है। इट्स लुकिंग बेटर। इयररिंग्स मैंने वही सेम रखे हैं विद सिल्वर ज्वेलरी। आई हैव अ क्विक हैक फॉर यू गाइज। अगर आप इस तरीके की पोनीटेल घर पर ही कुछ बना रहे हैं हल्का सा कर्ल करके, या फिर रात में चोटी बना के सो जाना, सुबह उसको खोल देना तो पीछे से हल्के हल्के कर्ली हो जाएंगे बाल, पर बाल धो के चोटी बनाना रात में। ओके, आई हैव दिस क्विक टिप। सिंपल पोनीटेल बनाओ, टेक अ बिग क्लचर लाइक दिस, और उसको बैक में इस तरीके से ऐसे लगा दो, उसको टाइट करके थोड़ा सा, एंड ऊपर वाले कर्ली बालों को इस तरीके से फैला दो। सो यू हैव दिस रियली पूफी एंड नाइस लुकिंग पोनी टेल। तो आप इस तरीके से भी कुछ कैरी कर सकते हो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो टू पार्लर, खुद से रेडी हो रहे हो तो ये वाला जो पोनी टेल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आगे से थोड़े फ्रिंजेस निकाल लो, कर्लिंग आइंस इनको कर्ल कर लेना, वरना सिंपल चाहो सिंपल भी रख सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटिफुल और बहुत ही गर्ली स्टाइल है, तो डेफिनेटली ये वाला ट्राई करके देख। नेक्स्ट जो साड़ी है इट इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ये काफ़ी वायरल हुई है यार इंटरनेट पर, डेफिनेटली ये रेडी टू वेयर में आती है तो ट्राई करना तो बनता है। मतलब ये फुल एकदम चटकीली मटकीली चटक पटक साड़ी है। लेट्स ट्राई दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन, बिकॉज मैं बहुत टाइम से देख रही थी बट मतलब मुझे इतना फैसिनेट नहीं करती थी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई। मतलब कि ये अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू वॉन्ट लाइक अ रियली ब्लिंगी पार्टी वेयर फेवल साड़ी, तो ये अच्छी लगेगी। नाइट फंक्शंस के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, कॉकटेल्स के लिए भी बहुत प्यारी लग रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टाइलिंग इट। पहले मैंने सोचा था कि चलो मेरे पास गोल्डन सेम ब्लाउज था उसका पेयर कर लूँगी, फिर मुझे लगा बहुत मिला बहुत गॉडी हो जाएगा। लेट्स ट्राई इट विद अ प्लेन ब्लैक ब्लाउज, ये ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो अनएक्सपेक्टेडली ये साड़ी लग बहुत सुंदर है, आई स्वेयर। मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट इज़ जस्ट लुकिंग वाओ। और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं ज्वेलरी के लिए, आई डोंट वांट टू ओवरडू इट, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत प्यारी है, इस पर बहुत सारा वर्क है। सो ईदर वी कैन वेयर दिस ब्यूटिफुल चेन हुप्स, या फिर एक ही मेरे पास थोड़ा सा फ्लोरल वाला ऑप्शन है गोल्ड में ही। सो आई एम नॉट श्योर विच वन आई कैन वेयर। मुझे लगता है कि देखती हूँ दोनों में से कौन सा पहनना है, बट अदरवाइज ये साड़ी लग बहुत सुंदर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड ये भी रेडी टू वेयर है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरे कंधे पर टिक रहे हैं। यार छोटे मुँह होने के भी बहुत नुकसान है। एनी वेज यही वाले पहन लेते हैं, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है। आप गोल्डन हुप्स भी पहन सकते हो, ब्लाउज का स्लीव बढ़ा सकते हो, बट स्लीवलेस में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी साड़ी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल लुक। आई मीन लुक एट द चमक ऑफ दिस साड़ी, यार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अनएक्सपेक्टेड था ये मुझे बिल्कुल, बट ये साड़ी टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल। ब्लाउज कैसा पेयर करना है आपकी मर्जी है, एंड कम्फर्टेबल काफ़ी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, लाइट वेट है काफ़ी, बट देखने में काफ़ी ब्लिंगी बढ़िया एकदम पार्टी वेयर लुक दे रही है।
कभी कभी कोई कुछ भी बोल रहा है, ऐसा मन करता है अपनी मर्जी तो चलानी है, मैंने फिर भी ये वाले इयरिंग्स पहन के देख लिए, बट ये मुझे लग बहुत अच्छे रहे, मतलब और थोड़े छोटे होते तो और बेटर लगते, बट इनका डिज़ाइन बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है साड़ी को। तो आज की वीडियो की लास्ट साड़ी होने वाली है, इस ब्यूटिफुल ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, वो भी इस ब्लाउज के साथ बढ़िया जाएगा। ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी, तो जी ये आएगी कुछ इस टाइप की। लुक एट द फैब्रिक, कितना बढ़िया शाइनी लग रहा है ना, एकदम पार्टी अप्रोप्रिएट। उसके साथ जो ब्लाउज आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस प्लेन ब्लैक ब्लाउज, और इसमें ये ड्यूअल टोन आता है, नीचे ब्लैक ऊपर ग्रे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। मैं पहन के आती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम इसे कैसे स्टाइल कर रहे हैं। टन टडा, लुक एट द साड़ी, बहुत सही लग रही है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इट्स सो परफेक्ट। तो कॉकटेल्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, इयरिंग्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इयरिंग्स के लिंक मत मांगना, बहुत पुराने हैं, सालों पुराने हैं। सो दो ऑप्शन हैं, एक ये ब्लैक एंड ग्रे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एक आएगा ये ब्यूटिफुल ब्लैक। मुझे लगता है कि ये इतना विजिबल नहीं होगा बट ये है बहुत सुंदर, ये देखो बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, बट ये थोड़े बड़े चंकी हैं तो हम यही वाले कैरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पोनीटेल बना रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लुक दे रही है, तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है पोनीटेल के साथ और ये बहुत प्यारी लग रही है, मतलब स्पेशली जब आप कुछ ब्लैक पहनते हो ना और बालों को एकदम क्लीन रखो, ज़्यादा मैसी ना रखो, तो वो बहुत सोफेस्टिकेटेड लगता है। और इस पोनीटेल पे तो हम डेफिनेटली वो वाले इयरिंग्स भी पहन सकते हैं, बट ये वाले भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस लुक, ये एकदम परफेक्ट है, लेंथ ब्रेथ कलर कॉम्बिनेशन कपड़ा लाइट वेट ईजी टू कैरी एंड रेडी टू वेयर, तो बहुत ही सही ऑप्शन है आपके लिए। सो कैमरा में कैरेट की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई, सो आई एम कंटिन्यूइंग द वीडियो राइट नाउ। जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली इज गोइंग टू बी वेरी प्रिटी येलो कलर, क्योंकि मैंने रेडी टू वेयर साड़ीज में येलो बहुत कम ट्राई किया बट लगता बहुत प्रिटी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट साड़ी, और ये बहुत ही सुंदर सी येलो कलर की साड़ी है, इट हैज दिस ब्यूटिफुल डिजाइन, और इसमें ना कॉन्ट्रास्टिंग में ब्लैक ब्लाउज आया है, तो आप चाहो तो इसमें ब्लैक ब्लाउज भी पहन सकते हो, बट ये रेडी टू वेयर है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मोनोटोन लुक क्रिएट किया जाए, लेट्स वेयर इट विद द सेम कलर ब्लाउज, तो ये बहुत सुंदर लगेगी, मैं पहन के आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो येलो के साथ ही कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसके साथ हम हॉट पिंक पहनेंगे ना तो और बढ़िया लगेगा, मैं इसको एक्सरसाइज करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो ये आएगा हमारी साड़ी का फाइनल लुक, मैंने सिंपल स्टेटमेंट इयरिंग्स पहन ली, एक बैंगल पहन लिया है हाथ में, एंड दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द कलर कॉम्बिनेशन इज स्क्रीमिंग इटसेल्फ कि बहुत सही लग रहा है, बहुत वाइब्रेंट लुक दे रहा है, और मुझे तो ये लुक बहुत प्यारा लगा। आप इसमें चाहो तो हाफ डू भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा, बट स्ट्रेट स्लीक हेयर इसमें ज़्यादा अच्छे से उभर कर आएंगे, एंड दिस साड़ी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि इसमें एक अलग सा शाइन है जो कि बहुत अच्छे से वो वाली वाइब दे पा रहा है कि दिस इज अ पार्टी वेयर स्टफ। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड यू दिस साड़ी। तो कंप्लीट लुक कुछ इस साड़ी का ऐसा आ रहा है, एंड दिस इज लुकिंग सो हेवनली, शेप वगैरह भी इसमें बहुत अच्छी आएगी आपकी, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन एंड यू कैन थैंक मी लेटर। तो नेक्स्ट साड़ी जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो होगी ये बहुत ही सुंदर सी, ये बेसिकली एक ओम्ब्रे शेडेड साड़ी है, एंड दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक, इट्स अ ब्यूटिफुल हॉट पिंक कलर, एंड धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये लाइट पिंक हो जाता है, तो आप इसको किसी भी ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हो, जैसे इसके साथ ब्लैक ब्लाउज आया, ब्लैक के साथ भी अच्छी लगेगी बट मुझे लगता है कि ब्लैक के साथ ये इतना उभर कर नहीं आएगी, बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा लुक लगेगा। आप चाहो तो इसे किसी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पिंक ब्लाउज पर पहनो, ये बहुत सुंदर लुक देगी, वरना आप प्लेन पिंक ब्लाउज पर पहन सकते हो। मैं देखती हूँ मैं इस पर क्या चीज़ स्टाइल करने वाली हूँ। बाकी से कपड़े की बात करूँ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट सैटिन जॉर्जेट मिक्स फैब्रिक, और लग बहुत सुंदर रही है ये साड़ी, मुझे लगता है कि ये बहुत प्यारा और एक एलिगेंट लुक लेकर आएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी ब्लाउज पे पहनते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कलर को, एंड ऑब्वियसली आई एम लविंग दिस साड़ी, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रिटी लुकिंग, मतलब बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा है, और मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लाइट पिंक इयरिंग्स पहन लिए हैं जो कि इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप चाहो तो इस पर कोई लाइट वेट नेकलेस भी पहन सकते हो, बट यू नो जब आप इस तरीके के लाइट वेट साड़ीज़ को कैरी करते हो तो आप एक इयरिंग से ही उसको बहुत अच्छा इन्हांसमेंट दे सकते हो, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट अगर आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा स्टाइल कर सकते हैं। मैंने वही सेम बैंगल पहन लिया, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, मैं पूरा कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ आवर फाइनल साड़ी लुक, आई एम लविंग दिस साड़ी, लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस शाइन इज, और ये कलर वगैरह मतलब एकदम परफेक्ट है फेयरवेल के लिए, तो ये 10/10 साड़ी है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। ऑल्सो आई एम इन लव विद दिस कलर, तो मुझे बताना कि आपको ये साड़ी कैसी लगी क्योंकि मुझे तो ये बहुत एलिगेंट और क्लासी लग रही है। जैसे कि मैंने कहा था आप इस पर कोई हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा, बट फिलहाल मैंने ये प्लेन वाला ही पहना है।
नेक्स्ट सारे जो है वो भी लगभग सिमिलर कॉम्बिनेशन ही है, बट इसमें ना अलग टाइप का ओम्ब्रे है. इसमें ऊपर रेड है और नीचे इसमें मजेंटा पिंक आएगा. सो आई एम ऑल्सो फैसिनेटेड विद दिस. अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ना पेयर करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो साइज के साथ ये सेम ब्लाउज पेयर कर चुकी हूँ और वैसे भी ये सारी एकदम प्लेन है तो इसमें कोई टेक्स्चर नहीं है, तो मैं डेफिनेटली इसके साथ कोई हैवी एम्ब्रॉयड ब्लाउज पेयर कर सकती हूँ, उससे इसका लुक बहुत उभर कर आएगा. लेट्स ट्राई दिस आउट, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. तो मैंने इसके साथ ये वाला ब्लाउज पेयर किया विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हैवी एम्ब्रॉयड ब्लाउज और ये काफी क्लासी लग रही है. एंड टू मैच इट अप मैंने ये वाले इयररिंग्स पेयर किया. आप और कोई भी इयररिंग्स पहन सकते हो, मुझे लगता है कि ये उतना भी परफेक्ट मैच नहीं है इयररिंग्स का, बट बहुत कुछ आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डेफिनेटली. तो ये आ रहा है हमारी साड़ी का कंप्लीट लुक एंड इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी. स्पेशली जो ब्लाउज है ना ये इसको बहुत एनहेंस कर रहा है साड़ी को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उभर कर आ रही है. एंड द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग विद इट कि इसमें ना यहाँ पे ये जो पलट जाती है हल्की सी तो वाइट दिखने लगता है, बाकी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. कलर वाइज डिज़ाइन वाइज दिस साड़ी इज़ वेरी प्रिटी. जो इसमें ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइनर फील आ रहा है साड़ी में. इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, ईजी टू वेयर एज आई सेड, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक दे रही है. सबसे अच्छी बात है दिस इज़ वेरी लाइट वेट, ईजी टू हैंडल, आप आराम से कंफर्टेबल होकर इसमें वॉक कर सकते हो एंड लुक्स वेरी शीक एज वेल. आप अगर चाहो तो इस तरीके का कोई नेकलेस भी पहन सकते हो ऐसे ब्लाउज के साथ विद दिस प्लेन साड़ी, तो भी ये बहुत अच्छा लुक देगा. इनफैक्ट इट विल लुक वे मोर बेटर देन बिफोर, मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है. आप छोटे छोटे स्टर्ट्स पहन सकते हो, मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं पहना, बट ये लुक मुझे बहुत क्लासी और बहुत शीक और बिल्कुल बॉलीवुड वाली वाइब दे रहा है. तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी आप फेयरवेल पे कैरी कर सकते हो कि सिर्फ हल्का सा पतला सा नेकलेस पहनो, कानों में ज़्यादा कुछ मत पहनो. लास्ट साड़ी ऑफ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी दिस ब्यूटीफुल साड़ी दैट आई बॉट फ्रॉम द ब्रांड तीज विच इज़ बाई जोकर एंड विच. मैंने पहले भी इसकी साड़ी ट्राई किया, दे हैव अमेजिंग स्टफ एंड क्वालिटी. सो मैंने एक और रेडी टू वेयर साड़ी ऑर्डर की है विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साड़ी एंड ये बहुत सुंदर लगती है. लुक एट दिस, द गोल्ड एंड द ब्लैक, दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन. थोड़ी सी ट्रेडिशनल टच में है बट बहुत सुंदर लगेगी. चलो इसको ट्राई करते हैं. आई कॉन्ट इवन बिलीव कि ये इतनी प्यारी लग सकती है, बहुत सुंदर साड़ी है यार. मतलब फेयरवेल छोड़ो, नॉर्मल लेने के लिए वेडिंग्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. इसका ब्लाउज जो है वो इस तरीके से कॉर्नर में ही अटैच आएगा, यही निकल के इसमें से ब्लाउज बनेगा. बट मैंने इसको पेयर किया है विद द प्लेन ब्लाउज एंड लुक एट द बॉर्डर एंड एवरीथिंग, और सिंपल गोल्डन ईयरिंग्स पहन लिए, गोल्डन बैंगल्स पहन लिए. आप इसको हैवी सीरीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हो फॉर वेडिंग्स विद हैवी नेकलेस हैवी ईयरिंग्स, बहुत सुंदर लुक देगी. बट आई एम इन जस्ट लव विद दिस साड़ी, द कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है. अगर मैं फाइनल लुक की बात करूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है एंड लुक एट दिस. मतलब ये जो गोल्डन है ना वो इतना प्यारा, इतना रॉयल लुक दे रहा है, लुकिंग सो ब्यूटिफुल. मतलब ऐसा लग रहा है किसी डिज़ाइनर स्टोर से हमने साड़ी खरीदी है. आई मीन डेफिनेटली इसको ट्राई करो और आपको बहुत पसंद आएगी. इन किसी भी साइज़ को आराम से फिट हो सकती है, रेडी टू वेयर साड़ी है. एंड लुक एट दिस, इसका टेक्सचर फैब्रिक सब बहुत अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज़ अ 10/10 साड़ी. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइस फ्रॉम मिंत्रा टिल नाउ. और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ भी इसकी एकदम परफेक्ट है. मतलब ये आपकी कितनी भी हाइट हो आपको आराम से ये फिट हो जाएगी, बिल्कुल भी लेंथ इसकी छोटी नहीं पड़ेगी. दिस इज अ फुल लेंथ ब्यूटीफुल साड़ी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. आई एम शूटिंग दिस फॉर द सेकंड टाइम, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन टेक केयर. प्रोडक्ट्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. टिल देन टेक केयर, बाय.